गरम पोस्ट को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल का आइकन जरूर दबाएं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव के बीच की मुलाकात खत्म हो गई है। तेज प्रताप यादव आज 3 नवंबर की शाम ठीक 3 बजे लालू यादव से मिलने के लिए रांची के रिम्स अस्पताल पहुंचे। रिम्स में उन्होंने अपने पिता लालू यादव से लगभग 2.5 घंटे तक बातचीत की। लालू प्रसाद से मुलाकात के बाद तेज प्रताप यादव जब रिम्स से बाहर आए तो उनकी आंखों में आंसू थे। तेज प्रताप ने कहा कि पिता लालू यादव उन्हें अपने घर वापस आने तक धैर्य रखने को कह रहे हैं, लेकिन वो अपनी पत्नी ऐश्वर्या से तलाक के फैसले पर कायम है। तेज प्रताप ने कहा कि वह घुट घुट कर जीना नहीं चाहते और तलाक का फैसला बदलने का सवाल ही नहीं उठता। हालांकि तेज प्रताप ने इतना जरूर कहा कि वो पटना पहुंचकर अपने परिवार वालों से बातचीत करेंगे। तेज प्रताप ने कहा कि वो अपने पिता लालू प्रसाद से पूरी तरह से बातचीत में जानकारी जो हुई है वो मीडिया को नहीं दे सकते हैं। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने लालू प्रसाद यादव से मिले जाने से पहले मीडिया से साफ साफ कहा था कि वो अपने फैसले पर अडिग हैं और वो अपना फैसला बदलने वाले नहीं हैं। और उन्होंने कहा था कि मुझे मोहरा बनाया गया जो ठीक नहीं है। उन्होंने बोला कि वो लड़ाई आखिर तक लड़ेंगे। पिता लालू प्रसाद यादव से मिलने के बाद तेज प्रताप जब रांची के रिम्स अस्पताल से निकले और उन्होंने जब मीडिया से बातचीत की तो उनका जो रुख था वो साफ संकेत दे रहा था कि सब कुछ ठीक करने की लालू यादव की कोशिशें भी रंग नहीं लाई हैं। ऐसे में देखना होगा कि तेज प्रताप यादव जब पटना लौटते हैं और वो अपने परिवार वालों से जो बातचीत करने की बात कह रहे हैं उसके बाद क्या कुछ होता है। तेज प्रताप ने अपने रुख पर अड़े रहने की बात कही। वो किसी भी कीमत पर ऐश्वर्या के साथ रिश्ता बनाए रखना नहीं चाहते हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार की शाम से ही ये बात मीडिया में ट्रेंड कर रही है कि बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक फैमिली में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस बात का संकेत खुद उस फैमिली के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने दे दी है। द गरम पोस्ट की रिपोर्ट।